Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematico's Mathematica. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you. Hello students, this is Ritu Sharma. तो लास्ट क्लास में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो आफ्टर एक्सरसाइज 8.1 जब हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे तो उसमें क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करना है। ये यहाँ पे हमें एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 185 पे या इसके आगे पीछे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी हुई है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी खुद की एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हैं। तो अब ये टेबल जो है आपको एग्जाम में प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, फिर इसको आप कैसे करोगे, इसको याद करेंगे या क्या करेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप इसको प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को अच्छे से तो आपको ये याद हो जाएगी, अदरवाइज इसको हम बनाना सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस टेबल को फॉर्म कैसे करना है यही सीखना है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखो हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं तो उन्हीं की हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यू दी हुई है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यू दी हुई है, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब बुक में टेबल गिवन है, ओके, अब उसको बनाना कैसे है ये देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी साइन कॉस टैन से स्टार्ट नहीं करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमें 0 to 4 क्या करना है, गिनती लिखनी है। 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ये सारे नंबर्स को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक गिनती लिख ली, काउंटिंग लिख ली, उसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4, ये भी, इसको भी एंड ये भी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब ये डिवाइड करके कितना आया, यहाँ पे 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 0। उसके बाद 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अभी इसको हम 3/4 ही लिख लेते हैं। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया हमारे पास। ये 1/2 अगर यहाँ नहीं दिख रहा, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी, फिर उनको सबको 4 से डिवाइड किया एंड देन जो डिवाइड करके वैल्यूज आई वो ले ली हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इन सब का अंडर रूट करना है। क्या करना है, अंडर रूट। तो अंडर रूट 0, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 3/4 एंड अंडर रूट 1, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ के बाद, अब रूट से निकालने के बाद इनकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। अब रूट क्या है, अंडर रूट 1/4। अब 1 तो जो है रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 4 जब रूट से बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अगेन 1/2 में 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 जो है रूट से बाहर नहीं आता तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट 2। अगेन 3 तो रूट से बाहर नहीं आता तो ये क्या हो गया, रूट 3 अपॉन 4 जो है रूट से बाहर आ जाता है, तो 4 की वैल्यू क्या थी रूट से बाहर आने पर, 2, एंड अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी, यहाँ पे नंबर्स लिखे यहाँ पे। उसके बाद 4 से इनको हमने सबको क्या किया, डिवाइड, और जो भी वैल्यूज आई उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर रूट, एंड वहाँ से जो भी वैल्यू आती है रूट करने के बाद, वो जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होती है साइन ए की वैल्यू। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अब जब हमें साइन ए की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की। तो कॉस 0 डिग्री। अब साइन ए की सिर्फ आपको करना क्या है, अगर आपको ये प्रोसेस भी नहीं करना ना, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो कि साइन की वैल्यू उसको याद कर लो, फिर आपकी पूरी टेबल आ जाएगी। अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो जाए, 0, 1/2, 1/√2, √3, 2 एंड 1, तो बाकी टेबल आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो कॉस ए की जो वैल्यू है ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, साइन की टेबल को पीछे से शुरू करना है। साइन के सबसे लास्ट में क्या है, 1, तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, 1। कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। उसके बाद साइन को यहाँ से पीछे, इसके बाद क्या है, 1 के बाद क्या है, √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू आ गई, √3/2। कॉस 45 की वैल्यू, अब यही बचा यहाँ पे हमारे पास, 1/√2। पीछे से आ रहे हैं हम, 1 √3/2, 1/√2, अगेन 1/2, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, 0। तो ये कॉस की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें,
टेन ए। अब टेन ए की वैल्यू कैसे आएगी, देखो हमें पता है टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप साइन की वैल्यू उसको कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते जाइए और आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेन की वैल्यू हो जाएगी। तो जीरो अपॉन वन, जीरो डिग्री के लिए जीरो अपॉन वन कितना आएगा, भाई जीरो को डिवाइड करते किससे भी तो क्या आता है जीरो। उसके बाद थर्टी के लिए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो, थर्टी के लिए वैल्यू क्या आएगी वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन रूट थ्री। इसके बाद 45 के लिए देखो रूट टू से रूट टू डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू क्या बची हमारे पास वन। अगेन यहाँ पे टू से टू डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू क्या बची रूट थ्री और अपॉन में वन, तो डिनोमिनेटर में वन का कोई मतलब नहीं होता तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रूट थ्री। यहाँ पे क्या होगा वन अपॉन जीरो, ये क्या था जीरो अपॉन वन, तो वैल्यू क्या आ रही थी जीरो लेकिन ये क्या है वन अपॉन जीरो। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो हमारी वैल्यू क्या आती है नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो उसको अभी तक हम फाइंड नहीं कर पाए, इसलिए सम नंबर को क्या बोलते हैं जीरो का डिनोमिनेटर में होगा या फिर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। तो tan 90 डिग्री की जो वैल्यू आती है ये क्या आती है नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित। नेक्स्ट क्या वैल्यूज निकालनी है हमें, कॉसेक ए। अब कॉसेक हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है जो कॉस ए होता है, तो साइन की वैल्यूज को आप रेसिप्रोकेट करते जाइए तो कॉसेक ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन ए। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या है जीरो। अब इसके नीचे से पूछने कितना है वन है, तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो अभी हमने देखा था क्या होता है नॉट डिफाइंड, वन अपॉन जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास नॉट डिफाइंड। कॉस थर्टी, कॉसेक थर्टी की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक है कॉसेक थर्टी की, साइन थर्टी की वैल्यू क्या है वन अपॉन टू, तो इसका रेसिप्रोकल होगा टू ऊपर चला जाएगा वन नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई टू। अगेन साइन 45 की वैल्यू क्या है वन अपॉन रूट टू, तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट टू अपॉन वन, तो इसका मतलब क्या होता है रूट टू, क्योंकि वन का डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं होता। साइन 60 की वैल्यू क्या है रूट थ्री अपॉन टू, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री। एंड साइन 90 की वैल्यू क्या है वन, तो वन के नीचे जब कुछ नहीं वन है इसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा वन अपॉन वन दैट मीन्स वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई वन। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास सेक। अब sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec a इज इक्वल्स टू वन अपॉन cos a। sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, अब cos ये रहा हमारे पास cos 0 डिग्री। अब वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, cos 0 डिग्री कितना है वन, तो sec 0 डिग्री क्या आ जाएगा वन, क्योंकि वन का रेसिप्रोकल क्या होता है वन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जैसे हमने साइन की वैल्यूज निकालने के बाद कॉस की वैल्यू को करने के लिए क्या किया था, साइन को पीछे से लिखना शुरू किया था, सिमिलरली आप sec की वैल्यू निकालने के लिए cosec की वैल्यू को क्या करो पीछे से लिखना शुरू कर दो। वन था पीछे, फिर ये अपना आया टू अपॉन रूट थ्री, अगेन रूट टू है यहाँ पे, फिर ये क्या है टू, एंड यहाँ पे ये क्या है नॉट डिफाइंड, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं cos का रेसिप्रोकल करके। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या बच गया cot a, और cot किसका रेसिप्रोकल होता है, cot a इज इक्वल्स टू वन अपॉन tan a, मतलब tan का रेसिप्रोकल करना है हमें। अब tan 0 डिग्री क्या है जीरो, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसके नीचे वन है तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है वन अपॉन जीरो, और जीरो डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब ये नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू क्या आ गई नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। टेन 30 डिग्री क्या है वन अपॉन रूट थ्री, अब वन अपॉन रूट थ्री का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रूट थ्री ऊपर और वन नीचे, तो वन का तो डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ गई रूट थ्री। टेन 45 की वैल्यू क्या है वन, तो वन का रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन वन दैट मीन्स वन ही होगा, तो cot 45 की वैल्यू भी क्या आ गई वन। उसके बाद हमें क्या बचा हमारे पास cos tan 60, cot 60 निकालना है उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे tan 60 की, तो ये रूट थ्री है और रूट थ्री का इसके नीचे कुछ नहीं वन होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, तो cot 60 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वन अपॉन रूट थ्री। एंड tan 90 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड, अब देखो नॉट डिफाइंड हमें पता है क्या होता है, नॉट डिफाइंड अगर किसी की वैल्यू है उसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या रहा होगा
वन अपॉन जीरो, और हमें क्या करना है इसका रेसिप्रोकल, वन अपॉन जीरो को क्या करना है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा जीरो अपॉन वन, एंड जीरो अपॉन वन मतलब ऊपर जीरो, अब जीरो को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है जीरो, तो कॉट 90 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास जीरो। हम ये बोल सकते हैं कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है जीरो। तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन में वन का फर्स्ट पार्ट है, ये क्या बोल रहा है साइन 60 इंटू कॉस 30 है, जो डॉट है यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई का साइन कर रहा है, या कोई भी अगर साइन नहीं है दो रेशियोज के बीच में तो ये क्या होगा यहाँ पे कोई भी साइन ना हो तो भी ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 डिग्री। अब भी क्या है स्पेसिफिक एंगल गिवन है यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे बोलते तो साइन 50 तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते टेबल से, लेकिन ये क्या वो एंगल है जिनकी वैल्यूज हमें क्या है टेबल में गिवन है। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और साइन 60 की वैल्यू देखो वहाँ पे, देखो जरा टेबल में साइन 60 की वैल्यू क्या गिवन है, तो फटाफट से देखते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट थ्री अपॉन टू इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या गिवन है टेबल के अंदर रूट थ्री अपॉन टू, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है टेबल के अंदर वन अपॉन टू इंटू कॉस 60 की भी वैल्यू क्या है वन अपॉन टू। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगोगे ना क्वेश्चंस को तो आपको ये याद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार टेबल, आपको ये मुंह से ही याद हो जाएगी अच्छे से, बस आपको क्या है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसको सॉल्व करते हैं, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थ्री आएगा, जब दो सिमिलर नंबर होते हैं रूट के अंदर तो वो एक रूट से बाहर आ जाता है, अपॉन में टू इंटू टू क्या आएगा फोर, प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, अपॉन में टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फोर। अब देखो बेस सेम है डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इनको, तो थ्री और वन क्या हो जाएगा फोर, और अपॉन में भी क्या है ये फोर, फोर से फोर कैंसिल हुआ हमारे पास आंसर क्या आ गया वन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर वन में जितने भी क्वेश्चन गिवन है ना जितने भी पार्ट गिवन है आप उन सबको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को थोड़ा ध्यान से करना, वहाँ पे जो वैल्यूज आएगी जब आपको लगे कि इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा वहाँ पे उसमें हमें रेशनलाइजेशन परफॉर्म करना है, तो उसको एक बार करके देखना होता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ वो आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू भी इसका इजीली कर सकते हैं आप लोग, तो ट्राई करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।